और देखिए इधर बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास का प्रियंका गांधी पर हमला, प्रियंका का जोश एक दिन का है। नव्या हरिदास ने कहा नामांकन के बाद वो लौट जाएंगी। नव्या हरिदास का बयान, मैं वायनाड की जनता के साथ 5 साल तक रहूंगी। टुडे शी इज फाइलिंग हर नॉमिनेशन एंड वी कुड सी दैट इट्स जस्ट अ जोश फॉर अ डे एंड आफ्टर सून आफ्टर गिविंग द नॉमिनेशन शी विल बी रिटर्निंग एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ 7-day शेड्यूल फॉर द प्रोग्राम बट द प्रॉमिस आई कुड गिव अस आई विल बी विद द पीपल ऑफ वायनाड फॉर द अपकमिंग 5 years। तो बयान आप सुन रहे थे बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं वायनाड से, और वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी से परिवारवाद वाले एंगल से जोड़कर देख रही है। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार, अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, परिवारवाद का मुद्दा उठाया जा रहा है। वायनाड में वाकई में कोई मुद्दा है इस बार जो ये चुनाव होंगे, या फिर ये सीधी सी बात है कि राहुल नहीं है प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में और उनका जीतना तय है? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी ने 1999 में आप कहें तो खुल करके पहली बार अमेठी रायबरेली की कमान संभाली थी, जब सोनिया गांधी अमेठी से और उनके पिता राजीव गांधी के करीबी सतीश शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़े थे। और मैं आपको याद दिलाऊं, प्रियंका गांधी का वो डायलॉग जिसमें कि अरुण नेहरू राहुल गांधी के जो राजीव गांधी के जो करीबी थे वो सतीश शर्मा के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रियंका गांधी ने कहा था, क्या आप उस व्यक्ति को वोट देंगे जिसने मेरे पिता की पीठ पर छुरा घोंपा था। कहा जाता है वो एक चुनाव पलटने वाला डायलॉग साबित हुआ और वहीं से प्रियंका गांधी का करिश्मा आगे बढ़ा। और एक दूसरा डायलॉग जो बहुत फेमस है प्रियंका गांधी का, वो ये है कि जब मोदी ने एक वक्त में कहा कि कांग्रेस तो बूढ़ी हो चुकी है, तो उस वक्त प्रियंका गांधी ने कैमरे पर पलट कर बोला कि क्या मैं आपको बूढ़ी नजर आती हूँ। तो प्रियंका गांधी अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको तकरीबन 25 साल लग गए। और पहली वो कांग्रेस की आप कह सकते हैं गांधी परिवार की सदस्य हैं जो दक्षिण भारत से डेब्यू कर रही हैं और दक्षिण भारत से ही सांसद रहेंगी। इससे पहले सोनिया गांधी ने बेल्लारी और अमेठी से जरूर चुनाव लड़ा था 99 में डेब्यू किया था जब, लेकिन बेल्लारी छोड़ दी थी। प्रियंका एक ही सीट से लड़ रही हैं, जीतेंगी तो यहीं से डेब्यू करेंगी। हालांकि अगर आप याद करें तो इंदिरा गांधी भी मेढक और चिकमंगलूर से चुनाव लड़ चुकी है। तो राहुल गांधी उत्तर भारत में, प्रियंका गांधी दक्षिण भारत में, कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय राजनीति को साधने की कोशिश की है इन दोनों के जरिए। बिल्कुल जयशंकर सर, सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के लिए ये जो सीट है ये सिर्फ, और ये जो चुनाव होंगे प्रियंका को मैदान में उतारना, ये सिर्फ विरासत को बचाए रखने की ही बात है? क्योंकि जिस तरह से ये बात हो रही है कि वायनाड के मुद्दों को क्या इस चुनाव में लाया जाएगा सरफेस पे, लोकसभा चूंकि बीत चुका है, अब देश में उस तरह की गर्मा गर्मी नहीं है मुद्दों को लेकर, तो वायनाड के विषय पीछे हैं और कांग्रेस की, राहुल गांधी की, गांधी परिवार की विरासत आगे है? नहीं, विरासत की बात नहीं है रवि। सो देखिए, राहुल गांधी भी जब तक वायनाड का प्रतिनिधित्व करते रहे तो लगातार वहां से उनका एक जुड़ाव बना रहा, वहां के इश्यूज से, वहां के मुद्दों के साथ। जब भी कभी होता था संसद से लेकर के सड़क तक जब भी बात होती थी तो वायनाड के लिए चिंतित रहते थे, वहां के लिए काम भी करते थे, वो ऐसा नहीं है। तो प्रियंका भी करेंगे वहां पे, और जैसा अभी विक्रांत बता रहे थे बहुत हाजिर जवाब है, लोकल कनेक्ट उनका बहुत जबरदस्त है, पीपुल कनेक्ट बहुत जबरदस्त उनका है, वो रहेंगे। और उनमें लोग मतलब साउथ में तो चूंकि इंदिरा गांधी बहुत लोकप्रिय रही है जमाने से, और उत्तर भारत में भी कांग्रेस के लोग और बाकी उनका जो समर्थन का जनाधार रहा है वो लोग प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं। उनको लगता है कि हमारी इंदिरा अम्मा फिर से लगता है कि हमारे बीच में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में उनकी स्वीकारिता बनेगी, और पहले से रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है, चुनाव लड़ाती रही है, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ रही है। और संसद में भी उनका देखिए, चूंकि तकरीर जब करती है तो काफी आक्रामक भी रहती है, उनका लहजा बहुत आक्रामक भी रहता है, और संसद के भीतर लोकसभा के भीतर कितना वो करेंगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, चुनाव जीतने में उनके कोई संदेह नहीं हो, बिल्कुल ये सारे सवाल चुनाव जीतने के बाद जरूर हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यही है कि प्रियंका गांधी दक्षिण भारत से अपना इलेक्टोरल चुनावी राजनीति का डेब्यू करने जा रही हैं। और रामकृपाल सर, लौटूंगा आपके पास क्योंकि बीजेपी को लेकर जरूर प्रश्न होंगे केरल के अंदर। और देखिए, इस बीच प्रियंका के नामांकन से पहले कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है, दिखाते हैं आपको।
जनता का मूड बदल गया है, इनकी नाटक नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब सच्चाई चलेगी, अब जनता सत्य चाहती है, जनता अपनी पुरानी धार्मिक परंपरा वापस चाहती है। जब हर नेता जनता के सामने झुके और हर नेता समझे कि जनता के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जनता के सामने सच बोले, जनता को झूठे वादे न करे और जनता के लिए सत्य के पथ पे चले, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।